मलेशिया से। अब जांच करोगे तो पप्पू यादव तो जांच करेगा नहीं। पाकिस्तान का फोन नंबर से अभी जस्ट आया कि भैया माफी मांग, नहीं तो मारना तय। लॉरेंस बिश्नोई के दिए गए धमकी को लेकर पप्पू यादव ने खुलकर बोला है। गुरुवार को गाजीपुर कोर्ट में पेश होने गए थे, जहां कोर्ट से बाहर निकले पप्पू यादव ने कहा कि धमकी से नहीं डरते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह वाकया लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि गाजीपुर में दाखिल हुआ था तो एक बार फिर से फोन आया कि गाजीपुर पहुंच गए। जानकारी के अनुसार सांसद पप्पू यादव गुरुवार को उत्तर प्रदेश गाजीपुर कोर्ट में पेश होने गए थे। मामला 1993 की बताई जा रही है। चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी काफिले के साथ गाजीपुर में दाखिल हुए थे पप्पू यादव। पुलिस इनके काफिले को रोक दी थी और मुकदमा दर्ज किया गया था। बातें सामने आ रही है कि कोर्ट से पप्पू यादव बरी हो गए थे। अब इस मामले में एक बार फिर से अपील की गई है। वहीं कोर्ट के कार्रवाई समाप्त होने के बाद बाहर निकले पप्पू यादव ने झारखंड चुनाव और बिहार के उप चुनाव के साथ ही लॉरेंस बिश्नोई की दी जा रही धमकी पर पप्पू यादव ने खुलकर बोला है, कहा है कि धमकी से डरते नहीं है। पाकिस्तान से, मलेशिया से, और 22 महीने दिए डीजीपी सीएम होम मिनिस्टर को मैंने दे दिया हूँ 22 कि कहाँ कहाँ से मलेशिया नेपाल। आप उसको देखोगे क्या है नहीं है, ये आप जांच करोगे तो पप्पू यादव तो जांच करेगा नहीं। आप, मैं तो कुछ आपको बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन आप जिस तरीके से लगातार आप मामले को देखोगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि अभी इनको जानकारी, घर की रेखी, घर में सारे चीज मैंने दे दिए हैं। अब कहाँ, पाकिस्तान का फोन नंबर से अभी जस्ट आया कि भैया माफी मांग, नहीं तो मारना तय है। तो भैया आप एक बात बताओ, सच्चाई बोलने से पप्पू यादव को कोई रोकेगा? आपको लगता है कि इंसानियत के लिए? मैं जात पात नहीं करता, मर जाऊंगा राजनीति में जात पात नहीं करूंगा, भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, हम लोग सभी जाति धर्म के साथ चलते हैं। सांसद जी, जो धमकी आई उसमें आपको क्या कहा गया? साफ कहा गया कहां पहुंच गए। आज सुबह पटना पहुंचे तो बोले पहुंच गए, घर की उर्दू में लिख करके भेजते हैं, फिर भेजते हैं आज केक काटा गया एयरपोर्ट को लेके, तो बोला अपना भी केक काट लो, 24 के पहले मरना तय है। अभी गाजीपुर इन किए तो बोले बक्सर क्रॉस कर गए। तो लगातार जिस तरीके से आप एक नहीं और हर घटना में किस गाड़ी में बैठे हो ये भी वो बताता है। अब आप हमको 92 पाकिस्तान में लगा गया है, पाकिस्तान